₹100 की और सबसे सस्ता सामान है। हे गाइस, हमारा अभी ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी टाइम हुआ है सुबह की 11। आपको पता ही है हमारा काम ऐसे ही होता रहता है, तो अभी जा रहा हूँ मैं मार्केट यहीं नीचे तक। वो इतने तो मैंने से वो मंगाया, क्या बोलते उसको, कंडीशनर। यार मैं खज्जल हो जाता उसमें, मेरे को ये नहीं पता लगता कंडीशनर कौन से होते हैं, शैम्पू कौन से होते हैं। तो उसको लेने जा रहा हूँ मैं अभी। वो बोल रहे थे कि उन्होंने अपनी से नहाना है, आज शुक्रवार है ना, दिन भी सही है, फिर आपको पता ही है फिर कल शनिवार है। तो उन्होंने बोला कि लेके आओ, तभी जाता हूँ मैं। तो कन्फ्यूज हो जाता मैं उस पर, तभी मैंने वीडियो बनाई कि आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग भी ऐसे कन्फ्यूज होते हो मेरी तरह, तो कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं नहाने के लिए पानी, क्योंकि भाई सुबह से बहुत ज़्यादा ठंड होती है, आपको पता ही है। बम्बे वो कौन से ले जाऊँ इसमें से, कौन से ये वाले कि ये फाइनली जल्दी से ये वाले पहनते हैं। मिल गया है ना, तो क्या बोलते हैं, रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। लो यही वाले थे, कहीं बाद में बोले भी हाँ ये शैम्पू ये भी है, एक ये है कुछ शैम्पू भी और कंडीशनर भी, मैं दोनों ले चलता हूँ, कुछ तो होगा सही। ना मेरे को यहाँ इस साइड को बैठना पड़ा है, ग्रिल की साइड, अगर इस साइड को बैठे ना पार को, यहाँ पे पता नहीं कौन सा कलर किया हुआ ये लग जाता है यार, बहुत सारे कपड़े ख़राब हो जाते। अभी भी एक मेरी स्वेटर ख़राब होगी दूसरी वाली, तो मैंने चेंज कर दी हो, तो मैं इस साइड को बैठा आराम से। अब आप ना जाना इस साइड को, अभी आया हूँ मैं कटिंग शेप करवाने, ये देख सकते हैं आप, देखते हैं अभी न्यू ट्रिप को जाना है तो फिर उसको कराना पड़ेगा अच्छी सी। गाइस अभी आए हम सोलन मार्केट में, पहुँच गए शॉपिंग करने फिर से। तो आज मम्मी आए ना, क्योंकि तो बच्ची कुछ शॉपिंग जो हमारे टूर की है तो अभी कर रहे हैं हम, तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको हम क्या क्या ले रहे हैं। इतना जाम लगा हुआ कुछ तगड़े वाला, और मम्मी जा रहे और गीत भी चल रहे, मम्मी और गीत जा रहे आगे आगे, ये देखो दोनों जने। और इतनी तगड़ी शॉपिंग करी इन्होंने, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देखो जब आ जाते ना दोनों जने बस तगड़ी वाली शॉपिंग करते हैं। फिर अभी रात का टाइम हो रहा शाम का, ये सब सोलन का बाजार मारुड रात का, और यहाँ पे सेल लगी हुई 100-100 रुपए की और सबसे सस्ता सामान है, ये देख सकते हैं आप, और काफी अच्छा सामान मिलता है यहाँ पे। ₹100 काफी भीड़ है यहाँ पे, और काफी अच्छा सामान मिलता है और वो बहुत ही सस्ते रेट पे, ये देख सकते हैं आप, काफी अच्छा। गाइस अभी हम रूम में पहुंच गए हैं और हमने बहुत तगड़े वाली शॉपिंग करी है आज, तो बहुत तगड़े वाली बोलते हैं जिसको, आज तक की सबसे हाईएस्ट शॉपिंग होगी हमारी, ये सबसे एक्सपेंसिव। क्यों ये देखो इनका एक्सप्रेशन देखो, बहुत तगड़े वाला एक्सप्रेशन देखो, अभी दिखाता हूँ हमने क्या क्या शॉपिंग की। ये देखो हमने अपनी लाइफ में पहली बार लिया होगा ये, क्या बोलते वैसे इसको गीतू, इसको थैला नहीं बोलते, भनु कहा बोलो थे बोलने का तो पता नहीं, क्योंकि हमें पहाड़ी बंदे भाई। ऐसे से हमने तीन बैग लिए, ऐसे से तीन ट्रॉली होगी ये, सर्च कर लिया है इसको बोलते हैं ट्रैवल बैग। देखो ये सबसे बड़े वाला है, और एक मेरे अंदर दिखाया ना, और एक इसके अंदर है, एक मीडियम साइज का हो गया, एक लार्ज साइज का हो गया, स्मॉल साइज का हो गया, तो इसको ट्रैवल बैग बोलते हैं। Little sweet and spice, throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise, I dream of you all night. Fill with the ocean, follow the... गया हूँ मैं फाइनली रूम में, अब करेंगे अपनी एडिटिंग शुरू, और हमारा डिनर हो गया है, और अभी टाइम हुआ है रात के 11 बज गया, आपको पता ही है। आया थक गया आज बहुत ज़्यादा, आज इतना ज़्यादा थक के ना पूछो मत, क्योंकि आज हमने तगड़े वाली शॉपिंग की, मतलब
आज तक की सबसे एक्सपेंसिव शॉपिंग हुई हमारी, क्योंकि जब मम्मी आ जाता है ना कुछ हम तगड़े ही शॉपिंग करते हैं। और जो आज हमने लिया है ना, मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे वीडियो में, तो हमने ये सोच के लिए कि फ्यूचर में हमारे को वो चीज़ बहुत काम आएगी, क्योंकि हमने पहली बार ली है, उससे पहले हमने उसको नहीं लिया है ना, यूज़ किया हमने पहले, तो हम यूज़ करेंगे उसको, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कंफर्टेबल है कि नहीं है। बट मेरे हिसाब से तो मेरे को सही लगा ये चीज़, तो मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको पहले बताया 1, 2 और ये 3, और काफ़ी अच्छे हैं। मतलब ट्रैवल बैग ना हमारे पास थे नहीं ऐसे ऐसे, क्योंकि फ्यूचर में हमारे कई प्लान है ना जाने के, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे पास पहले बैग होने चाहिए, तो हमने ये ले लिए। और काफ़ी सामान आ जाता है इसमें, इन देखो बैगों में इतना सामान आ जाता है ना पूछो मत। तो मेरा ये वाला बैग, ये देखो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट बैग है ये। इसमें ना मेरा ज़रूरी सामान आ जाता है, जो मैंने कहीं भी ले जाना होता है ना, तो मेरे को अच्छा लगता है। वैसे तो इसको जिम का बैग बोलते हैं, बट मेरे को ट्रैवल बैग की तरह ही यूज़ करता हूँ मैं इसको, और अच्छा लगता है। तो ठीक है, फिर आज का छोटा सा ब्लॉग है, हमने आज बहुत मस्ती की और बहुत शॉपिंग करी, और क्या बताऊँ मैं, हाँ एक और बात बतानी थी मैंने आपको, हाँ मौसम ऐसे ही, अभी धूप लगी हुई, अभी स्नोफॉल करने का कुछ अभी लग नहीं रहा है, कुछ पड़ेगी बट शायद, बोल रहे अभी मौसम बता रहे कि 15 के बाद बारिश बता रहे, तो अभी देखते हैं क्या होता है, क्या बनती है बात है। और कमेंट करके बताना कि ये टोपू कैसा लगता है आपको। मेरे पास ऐसे ऐसे 3 है टोपू, मेरे को अच्छे लगते हैं यार। इसमें ना देखो कानों को ना पूरे कवर हो जाते हैं यहाँ से, ऐसे देखो ऐसे अच्छे से हो जाते हैं कवर, गर्म है बिल्कुल ही, अंदर इसमें ऊन की तरह है बिल्कुल, ऐसे बाहर तो वैसे भी ऊन का ही है ना बड़ा, पर अंदर भी फर लगा हुआ इसमें, तो काफ़ी अच्छा होता है ठंड में ना, ठीक अच्छे काम आ जाता है। तो भाई ठंड होगी यार, आपको पता ही है, अब तो दिसंबर आधा होने वाला भाई, तो ठंड होनी नहीं। तो फिर ठीक है, फिर इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो में आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगता है। अगर वीडियो में आपको कोई कमी लगती है तो हम फ्यूचर में उसको सुधारेंगे, और आपको अच्छे से अच्छे ब्लॉग लेके आएंगे हम, हमारे कई प्लान हैं आगे फ्यूचर में, तो आपको अच्छे से अच्छे ब्लॉग लेके आएंगे हम। तो फिर ठीक है, फिर अपना ध्यान रखें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, और हमारी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली है ना हमारी, ये इसको बड़ा कर दो, आप कर सकते हो बड़ा, क्योंकि आप वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग हमारे से जुड़ेंगे। तो फिर जब आप देखते हो वीडियो को, तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दिया करो, कि उससे ऐसा होगा कि यार चलो थोड़े बहुत हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखो। और हाँ, एक भाई है ना जो मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे थे, तो भाई अभी ऐसे मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकता हूँ आपको, फ्यूचर में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे, जब हम थोड़े से ग्रो कर लेंगे, तो हम मेरा प्लान है कि मैं सबसे मिलूँगा, ऐसा नहीं कि मैं मिलूँगा नहीं, हम इतने बड़े तो भी हैं नहीं यार कि आप हमारे से मिलेंगे, अभी तो जस्ट हमने शुरू किया है, बट हम आप फ्यूचर में आपसे ज़रूर मिलेंगे, जब थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाएगा ना, तो हम सबसे मिलेंगे। तो फिर ठीक है, फिर आपको क्या बताना था और यार, एक तो भूल बहुत जल्दी जाता हूँ, तो ठीक है फिर बाय, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है।